नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवानी। बिहार भारत के उत्तरी राज्यों में से एक, देश का तीसरा सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। बिहार में अनुमानित 12 करोड़ लोगों की आबादी है। बिहार भारत का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है, जिसकी राजधानी पटना है, जिसका इतिहास देश भर में प्रचलित है। बिहार अपनी उपजाऊ भूमि और यहाँ से भारी संख्या में निकलने वाले युवा अफसरों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ कुल 38 जिले हैं, जिसमें बिहार के टॉप 10 शहरों में पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, बेतिया, कटिहार, भागलपुर, बेगूसराय और गया जिला शामिल है। लेकिन आज हम इसमें से 5 ऐसे शहरों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। नंबर 5 पर हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर सिटी की। मुजफ्फरपुर जिले का एक प्रमुख शहर है। इसका कुल क्षेत्रफल 28.68 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की लिटरेसी यानी साक्षरता दर 85.16% है। यहाँ सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली वज्जिका है। मुजफ्फरपुर को इस्लामी और हिंदू सभ्यताओं की मिलन स्थली के रूप में भी देखा जाता रहा है। दोनों सभ्यताओं के रंग यहाँ गहरे मिले हुए हैं और यही इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान भी है। मुजफ्फरपुर में पर्यटन की भी असीम संभावनाएं हैं, जिसमें बाबा गरीबनाथ मंदिर, लीची के बाग, जुब्बा साहनी पार्क, रामचंद्र साहिब संग्रहालय, खुदीराम बोस मेमोरियल इत्यादि शामिल है। मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध लीची यहाँ के लोगों के रोजगार का प्रमुख स्रोत में से एक है। यहाँ 3 लाख टन लीची का उत्पादन हर साल होता है। मुजफ्फरपुर की लीची देश भर में मशहूर होने के साथ साथ विदेशों में भी इसका निर्यात किया जाता है। यहाँ की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा इसी पर टिका हुआ है। इस लिस्ट में नंबर 4 पर है भागलपुर शहर। यह शहर गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह बिहार का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की साक्षरता दर 63.14% है। सिल्क सिटी के नाम से देश भर में पहचान रखने वाला यह शहर पूर्वी बिहार का एक मेजर एजुकेशनल, कमर्शियल और पॉलिटिकल सेंटर है, जिसे इंडिया के स्मार्ट सिटी के तहत चुना गया है। भागलपुर सिल्क के व्यापार के लिए विश्वविख्यात रहा है। तसर सिल्क का उत्पादन अभी भी यहाँ के कई परिवारों के रोजी रोटी का एक बड़ा स्रोत है। अजगैवीनाथ मंदिर, बासुकीनाथ और मंदार पर्वत जैसे विख्यात पर्यटक स्थल यहीं मौजूद हैं, जिसकी वजह से इस शहर को विकास करने में काफ़ी सफलता मिली है। भागलपुर का विक्रमशिला विश्वविद्यालय ऐतिहासिक है। यहाँ तिलहन अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। यहाँ चीनी, मिट्टी और अवरक के भंडार पाए जाते हैं। नंबर 3 पर हम बात करेंगे बेगूसराय शहर की। बिहार के मध्य में स्थित बेगूसराय विकास के पथ पर अग्रसर है। इसके उत्तर में समस्तीपुर, दक्षिण में गंगा नदी और लखीसराय, पूर्व में खगड़िया और मुंगेर तथा पश्चिम में समस्तीपुर और पटना जिला है। यह शहर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का महत्वपूर्ण कमर्शियल सेंटर है। यह शहर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के जन्मस्थली के रूप में भी काफ़ी चर्चित है। 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ की औसत साक्षरता दर 65% है। बेगूसराय बिहार के औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है। यहाँ मुख्य रूप से 3 बड़े उद्योग हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बरौनी, तेल शोधक कारखाना बरौनी थर्मल पावर स्टेशन अब NTPC, हिंदुस्तान यूरिया रसायन लिमिटेड HURL निर्माण कार्य चालू है। इसके अलावा कई छोटे छोटे और सहायक उद्योग भी हैं। यहाँ कृषि उद्योगों की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। बेगूसराय गंगा नदी के समतल मैदान में स्थित है। सबसे मीठे पानी की झील कांवर झील यहीं स्थित है। नंबर 2 पर हम बात करेंगे गया शहर की। इस नगर का हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में गहरा ऐतिहासिक महत्व है। इस शहर का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। गया 3 तरफ से छोटी व पथरीली पहाड़ियों से घिरा है। फल्गु नदी पर बसे इस शहर में पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में यहाँ लोग जुटते हैं, जो कि देश के तीर्थस्थलों में से एक है। ब्रह्मयोनी पहाड़ी, बराबर की गुफाएं, विष्णुपद मंदिर आदि यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक हैं। नवनिर्मित गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा यह थाईलैंड से भी सीधे जुड़ा हुआ है। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गया ही है। शिक्षण संस्थानों की बात करें तो गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गया बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहीं स्थित है। 2011 सेंसस के अनुसार यहां की कुल साक्षरता दर 66.35% है। नंबर 1 और सबसे टॉप शहर की इस लिस्ट में शामिल है पटना शहर। पटना शहर बिहार राज्य की राजधानी भी है। यह बिहार का एक ऐतिहासिक और सबसे बड़ा नगर है।
पटना संसार के गिने चुने उन विशेष प्राचीन नगरों में से एक है जो अति प्राचीन काल से आज तक आबाद है। प्राचीन बौद्ध और जैन तीर्थस्थल वैशाली, राजगीर या राजगृह, नालंदा, बोधगया और पावापुरी पटना शहर के आसपास ही अवस्थित हैं। सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था। महात्मा गांधी सेतु, जो कि पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर उत्तर दक्षिण की दिशा में बना एक पुल है, दुनिया का सबसे लंबा सड़क पुल है। दो लेन वाले इस प्रबलित कंक्रीट पुल की लंबाई 5,575 मीटर है। गंगा पर बना दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल पटना और सोनपुर को जोड़ता है। यहाँ के साक्षरता दर पुरुषों में 87.71% है तथा स्त्रियों में 81.33% है। यह शहर मगही संस्कृति का केंद्र है, साथ ही मैथिल, भोजपुरी तथा बंगाली संस्कृति भी शुद्ध रूप में जीवित है। स्त्रियों का परिवार में सम्मान होता है तथा पारिवारिक निर्णयों में उनकी बात भी सुनी जाती है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में सभ्यता द्वार, पटना तारामंडल, तख्त श्री हरमंदिर साहिब, गांधी संग्रहालय, गोलघर, गांधी मैदान, संजय गांधी जैविक उद्यान, सदाकत आश्रम, शेरशाह की मस्जिद, पादरी हवेली, बुद्ध पार्क इत्यादि बहुत सारे पर्यटक स्थल शामिल हैं। पटना के शिक्षण संस्थानों में पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार इत्यादि शामिल है। पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1917 में हुई थी और यह भारतीय उपमहाद्वीपीय का 7वां सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है। पटनापुर में फारसी शिक्षा का केंद्र भी रहा है और आज भी यहाँ कई अच्छे शिक्षण संस्थान हैं। इसके साथ ही आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं और उस शहर की विकास की स्थिति कैसी है। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।